नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत और श्रीलंका के बीच नौका सेवा की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कहा कि हम भारत और श्रीलंका के बीच राजनयिक और आर्थिक संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पीएम मोदी ने कहा कि भारत और श्रीलंका संस्कृति, वाणिज्य और सभ्यता का गहरा इतिहास साझा करते हैं। फ्रेंड्स, इंडिया एंड श्रीलंका शेयर अ डीप हिस्ट्री ऑफ कल्चर, कॉमर्स एंड सिविलाइजेशन। नागपट्टनम एंड टाउन्स नियर बाय हैव लॉन्ग बीन नोन फॉर सी ट्रेड विथ मेनी कंट्रीज including Sri Lanka. The historical port of Pumpuhar has been mentioned as a hub in ancient Tamil literature. Sangam age literature like Pattadina Palai and Mani Mekhalai speaks about boats and ships moving between India and friends. Our vision for connectivity goes beyond the transport sector. India and Sri Lanka collaborate closely in the wide range of areas such as fintech and energy. Digital payments have become a mass movement and a way of life in India due to UPI. We are working on fintech sector connectivity by linking UPI and Lanka Pay. Energy, this ferry service brings alive all those historical and cultural connections. Friends, during the recent visit of President Vikramasinghe, we jointly adopted a vision document for our economic partnership. Connectivity is the central theme of this partnership. Connectivity is not only about bringing two cities closer, it also brings our countries closer, our people closer, and our hearts closer. Connectivity enhances trade, tourism, and people-to-people ties. It also creates opportunities for the youth of both countries. Friends, following my visit to Sri Lanka in 2015, we witnessed the launch of direct flight between Delhi and Colombo. Later, we celebrated the landing of the first international flight in the pilgrim town of Kushinagar from Sri Lanka. The direct flight between Chennai and Jaffna began in 2019. Now, the ferry service between Nagapattinam and Kankesanthurai is yet another important step in this direction. We are embarking on a new chapter in the diplomatic and economic relations between India and Sri Lanka. The launch of a ferry service
बिटवीन नागपट्टनम एंड कांके संतुरई इज एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन स्ट्रेंथनिंग अवर रिलेशंस। चलिए सीधे चलेंगे जहां पे सीएम मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। थोड़ा अलग रखा गया, योजना में यही था कि आखिर कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जिनके अभिभावकों को हम थोड़ा अगर कहेंगे तो निश्चित रूप से अच्छी पढ़ाई के बदले उनसे कुछ फीस भी चार्ज की जा सकती है, क्योंकि आपको ध्यान में है कि स्कूल की जो विद्यार्थियों का जो बजट है, स्कूली शिक्षा का बजट आज लगभग 17,000 करोड़ रुपया और ये स्कूली शिक्षा का बजट है। इस बजट के आधार के ऊपर हमारे जो विद्यार्थियों को जितना लाभ होना चाहिए उतना कई बार हमें लगता है कि उतना लाभ नहीं है, तो इसको लाभकारी कैसे बनाया जाए इसमें कुछ जिम्मेवारियां स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर डाली जाए, कुछ जिम्मेवारी अभिभावकों के ऊपर डाली जाए, कुछ विद्यार्थियों को चयन करके अच्छे विद्यार्थियों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस प्रकार से उन सबको आगे बढ़ाने के लिए। और हमने ये जो संस्कृति मॉडल स्कूल की कल्पना की थी, पहले संस्कृति मॉडल स्कूल जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे, इसके बाद प्राइमरी स्कूल संस्कृति मॉडल स्कूल की भी कल्पना की गई है और ऐसे प्राइमरी स्कूल जो हैं उनकी भी संख्या 500 से ऊपर ये हो चुकी है। इनमें अध्यापकों के अलग से प्रशिक्षण भी होता है और इस प्रकार से पढ़ाई का पूरा ध्यान रखा जाता है, आपके सब बच्चे उन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं। और हाँ, 1,80,000 रुपए से ऊपर की इनकम के जो परिवार हैं उनको ये भी कहा जाता है कि थोड़ा खर्च बच्चों के ऊपर अगर इन स्कूलों के माध्यम से भी करेंगे तो स्कूलों को भी लाभ होगा, बच्चे को भी थोड़ा उसकी मानसिकता ठीक रहेगी कि हर चीज मुझे मुफ्त में नहीं मिलती है। एक धारणा समाज में है कि जो मुफ्त में मिलता है वो अच्छा नहीं होता है, वो कमजोर कम होता है, वो एक प्रकार से खराब होता है, लेकिन जो पैसा भर के लिया जाता है शायद उसकी गुणवत्ता ज्यादा होती है। धारणा में कोई दम नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक धारणा है उस अनुसार सरकारी स्कूल भी अच्छे स्कूल है, उनके अंदर अगर थोड़ी फीस रख के पढ़ाएंगे, आज इनकी डिमांड बढ़ी है। कोई माता पिता ऐसा नहीं कहता कि आपने 700 रुपया 900 रुपया 1100 रुपया जो फीस रखी है ये कोई ज्यादा फीस है, बहुत सामान्य है। हमारे जो प्राइवेट स्कूल हैं इनके अंदर तो बहुत बड़ी फीस है, एक परिवार का सामान्य परिवार का बालक उसमें पढ़ाई करने जा भी नहीं सकता है, गरीब विद्यार्थी की तो बात ही छोड़ दें। लेकिन हमने इन सबको एक अवसर देने के लिए कि गरीब विद्यार्थी की इसमें फीस नहीं ली जाएगी और ऐसे इन जो स्कूलों की संख्या ये हमने इसमें बढ़ानी शुरू की है। हमारे जो संस्कृत मॉडल स्कूल प्राइमरी स्कूल कितने हैं हमारे, संस्कृति प्राइमरी स्कूल है तो 1419 जो है हमारे, ये संख्या जो है बढ़कर के प्राइमरी स्कूलों की हुई है, तो एक अच्छी संख्या। इसमें और आगे बढ़ाने के लिए भी हमने विभाग को जो है ये निर्देश दिए हैं। हाँ, एक योजना और कि जहां हमारा संस्कृति मॉडल स्कूल नहीं है, ऐसे स्थानों पर प्राइवेट स्कूल जो अच्छे हैं और एक गरीब परिवार का अगर विद्यार्थी उसमें भी पढ़ना जाता है पढ़ना चाहता है, उसके लिए हमने चिराग योजना ये चलाई है कि दूसरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक उन प्राइवेट स्कूलों को और फीस का अगर प्रबंध सरकार करती है तो वो बच्चे वहां जा सकते हैं, ऐसे हजारों की संख्या में, और बच्चे इन स्कूलों में भी जाना शुरू किए हैं ताकि गरीब परिवार का बच्चा भी जहां पढ़ना चाहे वहां पढ़ सकता है। अभी जैसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये अपनी शुरू हुई है, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है कि हमारी शिक्षा के साथ साथ बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, बच्चा किस प्रकार से आगे रोजगार प्राप्त करेगा उस ओर भी हमको बढ़ना चाहिए। तो ऐसे सब स्कूलों के अंदर इन बातों का ध्यान रखा गया है कि बच्चों के संस्कार अच्छे कैसे मिलते हैं, केवल पढ़ना लिखना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन अच्छे संस्कार अगर बच्चे में आते हैं तो आगे चल करके जो बच्चा है वो एक अच्छा नागरिक, देश का नागरिक, समाज का एक अच्छा नागरिक यदि बनता है तो उसका लाभ अपने देश को भी है अपने समाज को भी है। तो अच्छा नागरिक कैसे बनाया जाए, इसके अंदर निश्चित रूप से कैसी उसने पढ़ाई की है, किस प्रकार से पढ़ाई की है, वरना एक समय था रटना रटाना ये पढ़ाई का एक भाग होता था, आज केवल किताबों से नहीं रटे रटाए वाक्यों से नहीं बल्कि बच्चा खेल करके भी सीखता है, बच्चा कुछ देख करके भी सीखता है, बच्चा सुन करके भी सीखता है, बच्चा कुछ काम करके ये भी सीखता है। तो ऐसी शिक्षा की पद्धति को बदलने का जो एक सिस्टम शुरू किया है ताकि बच्चों में एक भावना, अच्छी भावना आए, बच्चों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना आए, बच्चों में बड़ों का आदर मान सम्मान करने की भावना आए, उनमें सेवा का भाव कैसे आए, स्वच्छता का भाव कैसे आए, अपने
चारों तरफ का जो वातावरण है ऐसा कैसे वो अच्छा बने और किस प्रकार से ऐसी जो हमारी समस्याएं हैं सामाजिक समस्याएं उनकी ओर बच्चों का ध्यान यदि प्रारंभ में भी जाता है तो निश्चित रूप से उनका एक कंसर्न उनका एक लगाव ऐसी चीजों से अगर हम रखेंगे तो निश्चित रूप से इन चीजों को ठीक करने के लिए आगे आएंगे। तो ऐसी भावी पीढ़ी की चिंता करते हुए इन संस्कृति मॉडल स्कूलों का और एक प्रकार से एक अपना प्रयोग है। इन स्कूलों में हमने आधुनिक शिक्षा के नाते से बहुत से कमरे इनको स्मार्ट क्लासरूम्स ये भी हमने बनाया है। लगभग इस समय 4035 हमारे क्लासरूम ये स्मार्ट क्लासरूम्स हैं और अन्य जो बचे हुए क्लासरूम्स हैं इनको भी बहुत जल्दी हम स्मार्ट क्लासरूम ये बनाने जा रहे हैं। हमने 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को टेबलेट्स भी दिए हैं ताकि आज आधुनिक पढ़ाई के नाते से वो किस प्रकार से और ऑनलाइन शिक्षा को कैसे ग्रहण कर सकते हैं घर में बैठ करके भी कैसे उनका लाभ उठा सकते हैं। अध्यापक जो है वो हमारा एक प्रकार से शिक्षा में निश्चित रूप से उसका एक दायित्व होता है कि अपने बच्चों को शिक्षा अच्छी दे। अध्यापक अच्छा करते भी हैं लेकिन वहीं पर हम चूंकि उन बच्चों के माता पिता के नाते से विचार करें हमारा भी उतना ही दायित्व है उससे कम नहीं है बल्कि उससे ज्यादा ही है क्योंकि बच्चा ज्यादा समय घर पर रहता है और घर पर भी अगर उसको कहीं ना कहीं शिक्षा की ओर प्रेरित अगर हम नहीं करेंगे तो शिक्षा की ओर आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए माता पिता का जो दायित्व है उसके नाते से हम हमेशा बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें हम बच्चों की हमेशा सुने उनकी कोई समस्या होती है उन समस्याओं को प्यार से हल करें डांट डपट न करें। निश्चित रूप से बच्चे के मन के ऊपर एक असर जाता है कि हमारे माता पिता जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार बच्चा भी करता है। एक छोटी कहानी के माध्यम से यदि मैं बताना चाहूं तो एक बार एक माता पिता अपने बच्चों के साथ बैठ करके और थोड़ा देख रहे थे कि बच्चा वो क्या कर रहा है तो बच्चा बैठ करके एक कागज के ऊपर पेंसिल लेकर कुछ खाने बना रहा था बड़े बड़े खाने बनाए और साइड में कोने के ऊपर उसी कागज पर उसने चार छोटे छोटे खाने भी बनाए। माता पिता ने बड़े उत्सुक होकर के पहले बच्चे की प्रशंसा की कि बहुत बढ़िया ड्राइंग है बच्चा बहुत अच्छा सीख के आया है। उन्होंने उत्सुकता से पूछ लिया कि बेटा ये बड़े बड़े खाने क्या हैं? तो बेटे ने कहा कि देखिए जब मैं बड़ा होऊंगा तो एक बड़ा सा मकान अपना बनाऊंगा और उस मकान में ऐसे ऐसे सब कमरे बनाऊंगा एक कमरा मेरा अध्ययन कक्ष होगा एक मेरा अतिथि कक्ष होगा एक मेरा शयन कक्ष होगा। जैसा वो अपने घर में देखता था वैसे उसने बताया। माता पिता ने पूछा कि अच्छा ये कोने में छोटे छोटे बॉक्स ये क्या बनाए हैं? बच्चे ने बहुत ही एक ऐसे विश्वास के साथ जैसे बच्चा सब कुछ सीखा हुआ है उसने कहा कि देखिए जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इस मकान में रहूंगा और जब आप उसके बाद बूढ़े हो जाएंगे तो आप इन छोटे छोटे जो कमरे हैं ये आपके लिए हैं आप इसमें रहेंगे। माता पिता ने पूछा कि हमारे लिए छोटे कमरे क्यों बनाए हैं? तो बच्चे ने कहा आज भी तो मेरे दादा दादी वो बहुत छोटे छोटे कमरों में कोने में तो रहते हैं। अगर दादा दादी को उस बच्चे ने देखा है तो वो ये समझता है उसको संस्कार ऐसा मिला है कि बड़ा होने के बाद मैं यहाँ रहूंगा और मेरे माता पिता बूढ़े होने के बाद छोटे कमरों में रहेंगे। इसमें से माता पिता को भी ध्यान में आया कि बच्चा किस प्रकार से कैसे सीख जाता है। बच्चे की जो प्रारंभ में उसका जो दिमाग होता है पूरी स्लेट होता है जैसा उसके पढ़ाएंगे जैसा उसको दिखाएंगे जैसा उसके साथ व्यवहार करेंगे निश्चित रूप से वैसे ही वो बनेंगे। कई बार पढ़ाई के अंदर बच्चे का जो ध्यान होता है वो कम होता है हम उसको डांटते हैं। बच्चे को पढ़ाई का तरीका ठीक से ज्ञान कराया जाए तो पढ़ेगा। हाँ कई बार खेल खेल में भी बच्चा जो पढ़ता है उसको खेल के माध्यम से भी पढ़ना चाहिए। कभी कभी वो आते उसकी प्रारंभ में बचपन में कुछ बिगड़ने लग जाते हैं मानो जैसे मोबाइल फोन है इंटरनेट है इसका दुरुपयोग करना शुरू करता है ऐसी चीजों की पाबंदी जरूर रखनी चाहिए। सीएम मनोहर लाल को सुन रहे थे आप। पढ़ाई के क्षेत्र में किस तरीके से आगे बढ़ना है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कर रही है कितना आगे ले गई है देश को उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के चौथे संस्करण का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान महिला सशक्तिकरण बाइक रैली को सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाई। इस कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ते कदम को प्रदर्शित किया। थाना क्षेत्र में इन्फोर्समेंट का भी होगा। अगर कोई महिला सुरक्षा के साथ सेंध लगाने का दुस्साहस कर रहा है तो सख्ती से निपटने के भी आदेश दिए गए हैं। बहुत अब तक हम लोग समय दे चुके हैं बहुत सारे लोगों को। कुछ लोग जो इस प्रकार के अपराध करने के अभ्यस्त हैं
उनके साथ सख्ती से निपटने की कार्रवाई प्रदेश भर में, और मैंने गृह विभाग से इस बारे में कहा कि हर थाना क्षेत्र की पूरी रिकॉर्ड आने चाहिए, किस थाना क्षेत्र में किस प्रकार की कार्रवाई हुई है, ये सभी अभियान सुरक्षित रूप से प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सके, इस दृष्टि से रैली अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिला सुरक्षा को लेकर सीएम योगी का ये बयान सीधे और सीधे तौर पर उस चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें वो संकेत और संदेश साफ शब्दों में दे रहे हैं कि अगर कोई भी महिला की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो सख्ती से निपटा जाएगा, और अगर किसी ने भी कोताही की तो बख्शा नहीं जाएगा। बकायदा सभी थाना क्षेत्रों को गृह विभाग को रिपोर्ट देने के लिए कह दिया गया है। कहा गया है कि महिला सुरक्षा के मामले में क्या कार्रवाई हुई आपको बताना होगा। कार्यक्रम हर थाना क्षेत्र में इन्फोर्समेंट का भी होगा। अगर कोई महिला सुरक्षा के साथ सेंध लगाने का दुस्साहस कर रहा है तो सख्ती से निपटने के भी आदेश दिए गए हैं। बहुत अब तक हम लोग समय दे चुके हैं बहुत सारे लोगों को। कुछ लोग जो इस प्रकार के अपराध करने के अभ्यस्त हैं, उनके साथ सख्ती से निपटने की कार्रवाई प्रदेश भर में, और मैंने गृह विभाग से इस बारे में कहा कि हर थाना क्षेत्र की पूरी रिकॉर्ड आने चाहिए, किस थाना क्षेत्र में किस प्रकार की कार्रवाई हुई है, ये सभी अभियान सुरक्षित रूप से प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सके, इस दृष्टि से ये रैली अत्यंत महत्वपूर्ण है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को अपने सरकारी आवास से नारी सुरक्षा सम्मान को समर्पित मिशन शक्ति के चौथे चरण का आगाज कर रहे थे। बकायदा महिला शक्तिकरण रैली को इस दौरान उन्होंने रवाना भी किया, जो राजधानी के तमाम पड़ावों से गुजरते हुए 190 चौराहे पर खत्म हुई। रैली के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से महिला बेटियों के कल्याण के लिए चल रही योजनाओं से इस दौरान सीएम योगी ने रूबरू भी करवाया। सेल्फ हेल्प ग्रुप अलग अलग जनपदों में ग्राम पंचायत स्तर पर किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, वीसी सखी की भूमिका किस रूप में प्रभावी उत्तर प्रदेश में रही है कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। जिन महिलाओं के बारे में लोग बोलते थे ये बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, ये क्या काम कर पाएंगे, आज वे वीसी सखी बन करके, बैंकिंग क्रॉस्पॉन्डेंट सखी बन करके गांवों में बैंक की कमी को पूरा कर रही हैं। और गांवों में हमने देखा कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास उन महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया, 6 महीने तक मानते राज्य सरकार ने उपलब्ध करवाया, आज जब वो बैंक से कमीशन कमाती है, बैंक के साथ लेन देन करके गांव की जुड़ी भी जितनी भी लेन देन से जुड़े हुए मामले उनको करते हैं, उनमें जो सबसे कम कमाने वाली महिला है वो 25,000 है, और सब अधिक कमाने वाली तो लगभग 1.25 लाख और 1.5 लाख तक कमा रही हर महीने। ये चीजें दिखती है, प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। राज्य में 2020 में महिला संबंधी अपराधों को काबू करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसकी थीम थी सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन। 3 मुद्दों को लेकर शुरू हुआ कार्यक्रम आज मिशन शक्ति के नाम से जाना जाता है। खैर, अब सीएम की सख्ती का असर क्या ग्राउंड जीरो पर दिखेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। सहारनपुर के अंबाला हाईवे पर भारतीय किसान यूनियन तोमर के एक गुट ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ किया। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा से गाड़ी ना निकलने पर तांडव किया, तो वहीं कार्यकर्ता ने टोल प्लाजा का कैश भी लूटकर कैश लूटने और मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गाड़ी ना निकलने पर तोड़फोड़ किया गया है, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कितनी भारी मात्रा में यहां पे कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, और देखिए किस तरीके से यहां पे तोड़फोड़ कर रहे हैं। गाड़ी ना निकलने के बाद यह हंगामा शुरू हुआ, और धीरे धीरे देखते ही देखते यहां पे भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा पर इकट्ठा होना शुरू कर दिया, और ऐसे बता दें कि वहां पे कैश भी कार्यकर्ताओं द्वारा लूटे गए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। हर कोई इसकी आलोचना कर रहा है, तो मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है, और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। टोल प्लाजा की ये तस्वीरें हैं, कितनी भारी संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता जुटे हुए हैं,
और इसके बाद से ये पूरा मामला बता दें कि शुरू हुआ जब गाड़ी यहाँ से नहीं निकलने दिया गया और इसके बाद से धीरे धीरे करके भारी मात्रा में कार्यकर्ता पहुंच गए और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने काबू में करने की कोशिश की लेकिन भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट ने हंगामा लगातार जारी रखा और पुलिस की एक भी नहीं मानी और ऐसे में ये तस्वीरें बताती है कि कितनी संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता पहुंचे हैं। दिल्ली में एक बार फिर से बेखौफ बदमाशों का कहर देखने को मिला है। बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी में निगम स्कूल के पास गोली चलने की खबर सामने आई है जहां कुछ हमलावर एक युवक को मारने के इरादे से आए थे। हालांकि गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी। बताया जा रहा है कि करीब दर्जन भर की संख्या में हमलावर आए थे और इसके पीछे की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही। फिलहाल मौके पर पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के सुरक्षा सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए संचालित मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण के तहत ललितपुर में एक जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को पुलिस लाइन मैदान से श्रम एवं सेवा योजन राज्य मंत्री मनोहर लाल पथ द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मिशन शक्ति की जागरूकता रैली में पुलिस के महिला जवानों के साथ साथ सभी विभागों के कर्मचारी अपने अपने वाहनों के साथ शामिल हुए। मिशन शक्ति रैली तुबन चौराहा घंटाघर तलबपुरा वर्णी चौराहा से निकाली गई जिसमें जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी एवं पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुस्ताक मौजूद रहे। विधानसभा चुनावों के लिए बीकानेर पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में डूंगरपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि एसआई सुशीला की अगुवाई में पुलिस दल ने नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी की जांच करते हुए करीब 50 किलो चांदी के गहने और 1,80,000 नकद जब्त की है। साथ ही पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और बिजनौर के धामपुर में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब शराब के नशे में विवाद के चलते एक भाई ने अपने सगे भाई की पीट पीट कर हत्या कर दी। बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सुल्तानपुर में बीती रात एक वृद्ध की हत्या करने का मामला सामने आया है। बता दें कि धारदार हथियार से बुजुर्ग को मौत के घाट उतारा गया। साथ ही घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। द्वारपुर में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान वाटर वर्कर्स चौराहे से बजरी से भरे ट्रक की जब्त किया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर एसपी मनोज कुमार ने जिला में नाकाबंदी के निर्देश दे रखे थे तो वहीं चौकी प्रभारी मोहनलाल के नेतृत्व में बजरी से भरे ट्रक पर कार्रवाई देखने को मिली। तो नाकाबंदी के दौरान जब्त किया गया है बजरी से भरा ट्रक। एसआई मोहनलाल के नेतृत्व में यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। नाकाबंदी इससे पहले कर दी गई थी और इसके बाद से यहां पे जगह जगह सघन चेकिंग भी चल रही थी। नाकाबंदी के दौरान ये जब्त किया गया है बजरी से भरा ट्रक जो आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है।
तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।